तेरा खून बरखा की रुत लगा, तेरी सांस बादे सबा लगी। यूं तो कलवरी के पहाड़ पर हुई नस्म कितनी ही सोलियां, मगर इन सलीबों के शहर में ये सलीब तेरी जुदा लगी। तूने किस सलीके से पी लिया वो प्याला जोगे न टल सका, तूने इस तरीके से जान दी कि ये मौत रब की रजा लगी। मौजूद खवातीन हजरात, क्रिश्चियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मैं आप सबको आज ईस्टर के इस खूबसूरत प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का ये प्रोग्राम पाकिस्तान भर से मसीही सहाफ़ियों के एजाज़ में रखा गया है, जिसमें के मसीही सहाफ़ियों के साथ यहाँ पर असातिज़ा कराम, हमारे सीनियर शोरा और उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोग भी मौजूद हैं। पाकिस्तान भर में मसीही कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जर्नलिस्ट मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं। लाहौर, फैसलाबाद, पिशावर, उकाड़ा और बाकी अजला से यहाँ पर आए हुए तमाम जो सहाफ़ी हैं उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस तकरीब के इनेकाद का मकसद ईस्टर के हवाले से एक दूसरे को जहाँ पर मुबारकबाद कहना था, वहाँ पर यह भी था कि मिल बैठें और एक दूसरे के बारे में समझें, सुने कौन कहाँ से है, कैसे है। सहाफ़त एक मुश्किल तरीन पेशा है, एक ऐसा काम है जिसमें कि फुर्सत के लम्हात कम मुयसर होते हैं, लेकिन क्रिश्चियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का एहतमाम किया है कि पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों को इकट्ठा किया है और उन्हें आज ये मौका फराहम किया है कि हम ईस्टर की जो खुशी हैं वो भी सेलिब्रेट कर सकें और इसके साथ साथ हम एक दूसरे का यहाँ पर तारुफ भी सुन सकेंगे। हमारे जो जर्नलिस्ट मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता है वो आकर अपना इजहार ख्याल भी करेंगे। हमारे दरमियान सीनियर शोरा उसादे मोहतरम जनाब कमर फरोज साहब भी तशरीफ़ फरमा है, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं दिल की गहराइयों से, और ये हमारे लिए आज एजाज़ का बायस है कि वो यहाँ पर हैं, हम उनसे भी सुनेंगे। मैं बिला ताखीर स्टेज पर दावत दूँगा इज़्ज़त मआब मेजर यूसुफ सलीम साहब को कि वो आएँ, कलाम पाक से हमारी रहनुमाई फरमाएँ और इस बाबरकत महफिल का आगाज़ खुदावंद के पाक कलाम से किया जाएगा। मेजर यूसुफ सलीम साहब, खुदावंद के जिंदा बाबरकत मुकद्दस कलाम में से आज क्रंथियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस रसूल का पहला खत 15 बाब और उसकी चंद आयात मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। अब ऐ भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो, उसी के वसीले से तुमको नजात मिलती है, बशर्ते वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया जिनमें अक्सर अब तक मौजूद है और बाज सो गए, फिर यकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को। खुदा का मुकद्दस कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस ठहरे, आमीन। अजीतो, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ इस बात के लिए कि उसने अपना कलाम हमारी जबान में हम तक पहुँचाया ताकि हम इसे पढ़ सकें, इसे सुन सकें और इस पर अमल पैरा हो करके मुबारक लोगों में शामिल हो सकें। मुकद्दस पौलुस रसूल जो खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने की गवाही देते हैं, वो कहते हैं कि सबसे आखिर में मैंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा। वो लिखता है, क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। अब वो खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को जगह ब जगह पहुंचा रहे हैं और क्रंथस की कलीसिया को वो लिखते हैं।
मुकद्दस रसूल बयान करते हैं, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचाई जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। यही बात, यही खुशखबरी मसीहत की बुनियाद ठहरी। यही आए, यही पैगाम मसीहत का अकीदा ठहरा। जब हम लफ्ज खुशखबरी को देखते हैं तो लिखता है कि अब आए भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं। लफ्ज खुशखबरी फारसी का इसम है जिसका मतलब है बशारत या नवीद। अंग्रेजी में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है गुड न्यूज या गॉस्पल। बाइबल मुकद्दस में इसका लफ्जी तर्जमा अंजील किया गया है। मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियों की कलीसिया को लिखते हैं, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी और फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। मैं अंजील से शर्माता नहीं, और फिर वो कहते हैं कि मैंने वही खुशखबरी, वही अंजील तुमको पहुंचा दी है। ये लफ्ज यूनानी लफ्ज यूजिलियो से निकला है जिसका मानी है अच्छी, खुशी वाली, मसरूर और पुरमसरत नबी। मुकद्दस लूका रसूल बड़ी खूबसूरती के साथ इस खुशखबरी को पहुंचाते हैं। वो कहते हैं कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ये खुशखबरी हम तक यूं पहुंचाई कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह के बरकत नाम से आज इस तकरीब का आगाज हो चुका है, और अब मैं चाहूँगा कि हम अपनी इस तकरीब को रवायती अंदाज में आगे बढ़ाने की बजाय इस अंदाज में रखें ताकि हमें यह एहसास हो कि हम आज ईस्टर की खुशियों में शरीक हैं। मैं सबसे पहले अपना तारुफ पेश करूँगा, फिर बाकी आने वाले जो दोस्त हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनका पता वो अपना अपना तारुफ बताते जाएंगे और इजहार ख्याल का जो सिलसिला होगा वो साथ साथ चलता जाएगा। मेरा नाम समीर अजमल है, मैं फैसलाबाद से आया हूँ और इन दिनों रोज़नामा जानने में मुलाजमत कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं तारुफ कराऊँ उस शख्सियत का, उन हस्तियों का जो आज के हमारे इस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट हैं, मैं एक वाकया थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ। मैंने अपने कैरियर का आगाज़ मुल्तान से रोज़नामा खबरें से किया। तकरीबन 8 साल मैं वहाँ पर रहा, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होकर मैं लाहौर आ गया। और लाहौर में जब मैं मुलाजमत कर रहा था, यहाँ एक इलाका न्यू गार्डन है जहाँ पर के रेलवे के प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके भी कब्जे का मामला था। मुझे आए हुए तकरीबन हफ्ता एक हुआ था, तो मेरे ज़िम्मे ये असाइनमेंट लगी कि वहाँ पर जाकर मैं वो स्टोरी तैयार करूँ और ये सारे मामला करूँ। तो मैंने चूँकि उस वक्त यूहन्नाबाद में खालियाबाद रेंट पे खबरें का दफ्तर था रिकल ऑफिस में, मेरे पास बाइक नहीं होती थी। प्रेस क्लब में मैं बड़ी परेशानी के आलम में बैठा हुआ था। मैंने दोस्तों से पूछा कि मैं कैसे करूँ, मुझे तो कोई समझ नहीं है। तो मुझे एक वहाँ पर मेरे दोस्त थे, उन्होंने इशारा किया कि ये जो साहब बैठे हुए हैं, ये क्रिश्चियन हैं, सीनियर हैं, फोटोग्राफर हैं, आप इनसे रब्ता करें। तो मैं उनके पास गया, आरफ भट्टी साहब उनका नाम था। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं मुल्तान से ट्रांसफ़र होकर आया हूँ, तो ये मेरी उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप फिक्र ना करें, आप मेरे साथ बैठें बाइक पर, हम अभी चले जाते हैं। तो हम जब प्रेस क्लब से निकले तो आगे पहला पेट्रोल पम्प आया, वहाँ पर उन्होंने मोटरसाइकिल रोकी, वो तेल डलवाने लगे। इजराइल जो मुरब्बत के तौर पर मैंने पैसे निकाले और मैं पेट्रोल पम्प जो उन्होंने तेल डलवाया था 100 रुपये का या 200 रुपये का मैं देने लगा, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि ये अपने पास रखें। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा भाई जी मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं जो है इस तरह का मुझे ये बिहेव पसंद नहीं है। तो वो मेरा उनसे पहला तारुफ था, और फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं भी क्रिश्चियन हूँ। तो आज हमारे लिए ये दुख का मकाम भी है, अफसोस का भी है कि आरफ भट्टी साहब हमारे दरमियान नहीं है। उनकी ये जो कुछ अर्सा पहले जो पार्टी से जान मिले, लेकिन हमारी आज की इस तकरीब के मेहमाना ने खुशी उनकी फैमिली है। हम तालियों से उनको मेहमान वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे।
आरिफ हकीम हमारे एक दलेर ईमानदार और जुरतमंद सहाफ़ी थे। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से क्रिश्चन सहाफ़ी हैं जो मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता हैं, जो अपनी जॉब कर रहे हैं और मसाइल का सामना है, लेकिन ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई इदारा नहीं था जो उनके लिए आवाज़ उठाए। हमारे फैसलाबाद से आज हमारे साथ साथ आठ जो साथी आए हैं, उनमें से बेशतर कई मसाइल का सामना रहे। मैं मुल्तान में जब था, हमारे साथ बहुत से प्रॉब्लम रहे, लेकिन हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं थी जो इन मुश्किल हालात में अपने क्रिश्चन साथियों की मदद करती। लेकिन हमारे लिए आज खुशी का बायस ये भी है कि क्रिश्चन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की सूरत में एक इदारा, एक तंजीम हमारे पास मौजूद है जो इस तरह के सहाफ़ियों के लिए तावन करने के लिए तैयार है। और आरफ भट्टी साहब की फैमिली भी यहाँ पर मौजूद की, इस बात की सबूत है कि हमारे क्रिश्चन जर्नलिस्ट अब मुखलिफ हो चुके हैं। अगर खुदा न खास्ता हमारा कोई भाई सफ़र करता है, अगर उस पर कोई मुसीबत आती है, उनकी फैमिली को हम तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस मुख्तसर से तारफ के बाद मैं अब दावत खिताब दूँगा इस प्रोग्राम की, इस तकरीब की रूह रवा जिन्होंने ये महफिल सजाई है, क्रिश्चन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुंतजमीन में से जनाब काशिफ नवाब साहब को, कि वो आएँ और तारफ कराएँ इस प्रोग्राम का, इस तकरीब के इनका का क्या मकसद है। आपकी भरपूर तालीम हुई जनाब काशिफ नवाब साहब। थैंक यू सो मच समीर अजमल साहब, आपने आज की इस तकरीब को अच्छे लफ्जों के साथ चांद तान दिला दी। बुनियादी तौर पर क्रिश्चन जर्नल एसोसिएशन जो है, ये पाकिस्तान में उन सहाफ़ियों का ग्रुप है जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसका बुनियादी पर्पज़ ये था कि हम उन सहाफ़ियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएँ जो किसी न किसी इदारे के साथ अटैच है, लेकिन ऐसे सहाफ़ी इस माशरे में उन्हें बहुत सारे मसाइल, मुश्किलात, तकलीफ़ों का, दुखों का सामना करना पड़ता है। कभी मीडिया हाउसेज जो हैं बंद हो जाते हैं, कभी जॉब चले जाती है, कभी सैलरी नहीं मिलती, कभी उनके बच्चों के स्कूल का मसला है, कभी उनकी फैमिली की फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं। ये सारे मसाइल जो हैं वो एक सहाफ़ी को बुरी तरह मुतासर करते हैं। काश कि हम अभी इस मकाम पर नहीं पहुँचे कि हम बहुत ज़्यादा काम कर सकें, लेकिन ये हमारा अभी आगाज़ है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़ी जो है वो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल हालात में, ख़तरों से और थ्रेड्स में से गुजर के खबर लेके आता है। हम जो इस हाल में लोग बैठे हैं शायद उस बात से वाकिफ नहीं है। सहाफ़ी जो आप खबर पढ़ रहे हैं अखबार में सुबह उठ के, वो खबर ऐसे ही आपके पास आ जाती, उसके पीछे उसको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसको तगड़ो करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, तहकीक करनी पड़ती है, फिर वो खबर आप तक पहुंचती है। लेकिन वो जो सफ़र है एक खबर का, कभी कभी एक खबर एक सहाफ़ी को खुद खबर बना देती है। हम समझते हैं कि हम उन दोस्तों को, साथियों को जो किसी न किसी इंसान की माशरे में आवाज़ बन रहे हैं, उस आवाज़ को दबाने की बजाय उसे और मज़ीद बढ़ाया जाए। हमारा मकसद जो है बुनियादी तौर पर यही है कि हम सहाफ़ियों की कैपेसिटी बिल्ड करें, उनको मज़ीद जदीद टेक्नोलॉजी से मुतारफ करवाएँ और वो काम जो हमें समाजी रवैयों को बदलने के लिए करने की ज़रूरत है ताकि हम मिलकर कर सकें। यकीनन मेरे बात मेरे बहुत सारे साथी जो हैं इस पर बात करेंगे, तो मैं अगेन आपको खुश आमदीद कहता हूँ और फिर एक दफ़ा माफ़ी चाहता हूँ कि हमारा प्रोग्राम लेट शुरू हुआ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया काशिफ नवाब साहब। मैंने जैसे कि पहले कहा कि क्रिश्चन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की सूरत में एक हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर हम अपने हक के लिए बात कर सकते हैं, हक मांग सकते हैं। जनाब उमर बिन सरकार साहब। शुक्रिया समीर। मैंने 26 साल गुजारे जर्नलिज्म में, लेकिन मैं अभी भी इसी तरह वाबस्ता हूँ। मैं अभी भी असाइनमेंट्स करता हूँ, लेकिन अभी लोकल मैंने कम कर दी हैं, तो कभी कभार मैं इंटरनेशनल असाइनमेंट्स करता हूँ अभी। हमारे काशिफ साहब ने मुझे जो पॉइंट्स दिए हैं वो बेतहाशा लंबे हैं, लेकिन उसको मैं समझते हुए जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो मकसद है, जो कुछ समीर ने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया कि किस तरीके से क्यों हमने ये ज़रूरत पड़ी कि क्रिश्चन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बनाई जाए, उसकी वजह ये है, और मेरा ख्याल है आप एग्री करेंगे मेरी बात से, कि
हमारी माइनॉरिटीज़ की, स्पेशली जो पब्लिक स्पेस जिसे हम कहते हैं ना, कि आम स्पेस में हमारी जो सी प्रेजेंस है वो बहुत मुश्किल होती जा रही है। कोई डरते हुए कोई खुल के बात नहीं करता। मैं आपको सिंपल एक मिसाल देता हूँ, हम ईस्टर का हमने फंक्शन रखा है, लेकिन कोई खुल के ये बताता नहीं कि ये यीशु मसीह के जिंदा होने की ईद है। ईस्टर की बात कर लेते हैं, कहते हैं हाँ जी ईद है हमारी, लेकिन ये खुल के बताना और ये कहना कि ये ईस्टर है क्या और हम क्यों ईस्टर मनाते हैं। हमारे बहुत सारे बेचारे क्रिश्चियंस हैं, मैं देखता हूँ तो झिझकते हैं ये बात करते हुए भी कि किस चीज़ की ईद मनाते हैं। तो हमें जो सा ना और बेइंग जर्नलिस्ट हमें अपने अंदर वो जो सा ना क्या कहते हैं हिम्मत करेज डिटर्मिनेशन पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो सा ना लेफ्टिस्ट फोर्सेस जो हैं, जो लेफ्ट की फोर्सेस थी या सोशल फोर्सेस थी, वो दबती जा रही हैं बल्कि खामोशी होती जा रही है। अब उनकी आवाज़ दब गई है। आपको लेफ्टिस्ट सोच या सोशलिज्म की बात करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, बहुत कम रह गए हैं, और जो बेचारे रह गए हैं उनकी आवाज़ भी दब जाती है, क्योंकि जो राइट क्राउड है, अब आप सिर्फ पोलिटिकल पार्टीज को देख लें तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी जो है उसका जवाब इसीलिए हुआ कि लेफ्टिस्ट फोर्सेस और सोशल जो फोर्सेस थी वो सारी डाउन होती चली गई, और PMLN जो थी एक राइटेस्ट पार्टी की राइटेस्ट वोट बैंक था, तो उसकी राइज हुई और अभी तक है। लेकिन उसके साथ जो जिस फोर्स ने उसको रिप्लेस करने की कोशिश की वो उससे बड़ी राइटेस्ट थी। तो ये सारे जितने राइटेस्ट आ रहे थे, ये राइटेस्ट के साथ हम गुजारा जरूर करते हैं और कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये राइटेस्ट फोर्सेज को माइनॉरिटीज की बहुत ज़्यादा हक में नहीं है। मिसाल के तो मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि इमरान खान साहब जो होते थे, ही वॉज वेरी गुड टू द माइनॉरिटीज एंड द क्रिश्चियंस, क्योंकि एक स्टेट की पॉलिसी थी कि 5% कोटा होगा और बाकी बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, और हर एक को जो है क्योंकि आर्मी में कभी सोच नहीं कर सकता कोई, लेकिन आर्मी की भी वो आई कि उन्होंने कहा कि अब जो है हिंदू भी जो हिंदू जो हैं वो भी ऑफिसर्स बन सकते हैं, और क्रिश्चियंस जो हैं क्रिश्चियंस जो तो हमेशा रहे हैं आर्मी में एयरफोर्स में सारी फोर्सेज में क्रिश्चियंस जो थे वो भी भरपूर दोबारा से उनका इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। मेरे पास सामने मैरियन बैठी हुई थी, पूरी फैमिली जो सी है वो सारे मेरी आर्मी में है, तो आर्मी में रहे हैं और बहुत उनकी जो से क्या कहते हैं माँ है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन द मेन फैक्ट रिमेन्स कि हम आज के इस दौर में हमें अपने आप बोलना पड़ेगा, अपने आप को डिटर्मिन करवाना पड़ेगा, अदरवाइज हमें वो जो रूम है ना स्पेस उसमें हमें वो बोलने की गुंजाइश नहीं देते लोग और नहीं देंगे भी। आप सोशल मीडिया पे देख लें, आप ट्विटर पे देख लें, आप फेसबुक पे इवन के देख लें कि किस तरह लोग घबराते हैं बात करते हुए भी। उसकी वजह क्या है कि आपने अगर कोई कमेंट छोटा सा भी कमेंट लिखा उसका बैकलैश आता है। बैकलैश क्या आता है? बैकलैश मीन्स कि वो लोग आपको मुख्तलिफ मुक्तबर फिक्र के लोग जो से हैं वो आप पर अटैक करना शुरू कर देते हैं कि भाई आपकी क्रिश्चियंस की ये बात क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर इमानुएल सरफराज साहब, उन्होंने एक वाकया सुनाया, बात की है कि नाम की वजह से सहाफत में रहे, बड़ी ये पहचान है क्रिश्चियन लोग जो होते हैं अपने नाम की वजह से पहचाना जाते हैं। मैं भी एक छोटा सा वाक्य सुनाना चाहता हूँ। तो मैंने जब एफ़ए किया तो मुझे लिखने का शौक़ हुआ, मुल्तान से अखबार छपता था संगे मील, उसमें इम्तियाज़ रूहानी साहब, उन्होंने कहा जी बच्चों का ऑडिशन है तो उसमें आप आ जाएँ। तो पहला ऑडिशन जब छपा तो उसमें मेरा नाम समीर अजमल की बजाय सुमेरा जमील छप गया। उसके बाद वो उनको इतने लेटर आए और वो फिर काफ़ी अर्से तक वो कहते रहे जी इसी तरह ही काम करते रहे, फिर आगे सहाफत का सिलसिला चलता रहा तो यहाँ तक पहुँचा। मैं आप लोगों को मज़ीद बोर किए बग़ैर अब उस शख्सियत को यहाँ पर दावत देना चाहता हूँ जिन्हें कि हम सहाफत का उस्ताद मानते हैं। मेरा तल्लुक मुल्तान के एक दूर अफ्तादा गाँव चक नंबर 13 मार से है। तो मुझे याद है कि उस वक्त डाक के ज़रिए दो वहाँ पर रिसाले आया करते थे, एक नकीब और एक शादाब, और शादाब रिसाला मेरा इसलिए पसंदीदा था
कि उसमें रवायती तौर पर जो हमारे पास्टर्स के फादर्स के इंटरव्यूज़ ये चीज़ें नहीं होती थी, उसमें ख़बरें होती थी, और उसको पढ़ पढ़ कर ऐसे रुझानात की तरफ जहन गया, ये सीखा कि सहाफ़त किस तरह होती है और सहाफ़त कैसे करनी चाहिए। आज हमारे दरमियान वो शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं जो एक अरसा तक उस शादाब रिसाले की छापते रहे। अब मेरे लिए नहीं है कि रिसाला छप रहा है या नहीं, हमारे लिए वो सहाफ़त में उस्ताद का दर्जा रखने वाले जनाब कमल फरोज साहब, मैं आपकी तालियों में कहूँगा कि आएँ, अपनी हमें कलाम भी सुनाएँ और ये सहाफ़त के हवाले से जो तजर्बात हैं वो भी हमारे साथ शेयर करें। अजीज़ दोस्तों, शुक्रगुजार हूँ उन तमाम कलमात के लिए जो मेरे दोस्त ने मेरे बारे में कहे, और क्रिश्चियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का ये इजलास बड़ा खुशायन लगा, और मुझे मैं माजी में लौट गया और मुझे बहुत सी बातें याद आने लग गई। ये रिसाला शादाब पहले 15 रोज़ा 69 में शुरू किया था, 69 में, और ये बिशप अनायत मसीह साहब का व्यू था कि रिसाले तो बहुत क्रिश्चियन कम्युनिटी में छपते हैं लेकिन उसमें या तो पादरियों के वाज होते हैं या बाइबल की आयात होती हैं या इस किस्म की, उसमें ना तो कोई सियासी तरबियत का कोई मसला होता है ना ही शायरी की तरबियत का कोई मसला होता है। इस यानी जितने भी बाकी जो ज़िंदगी गुजारने के मसाइल हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, तो उनके इरशाद पर मैंने ये डिक्लेरेशन लिया था और इसको आज 53 साल हो गए, और ये बाकायदगी से अब ये बहानामा है और बाकायदगी से शाया होगा, और ये इंटरफेथ रिसाला है। हमने शुरू से इसकी बुनियाद इंटरफेथ रखी थी कि इसमें मुसलमान अदीब शायर सब इसमें शाया होती थी। इसके इब्तदाई एडिटरों में नासिर जैदी भी इसका एडिटर रहा है, दोस्त जलंधरी भी थे वो भी इसके एडिटर थे इब्तदाई। बहरहाल ये एक इंटरफेथ जरीदा। अब मैंने सहाफ़त का जो आगाज़ है वो मैंने करीबन 17-18 साल की उम्र में सरगोधा से किया था, जहां मैं हफ्तरोज़ा खुदी और हफ्तरोज़ा प्याम कायद का मदीर रहा, और इब्तदा में लाहौर में मैंने बच्चों का सफ़ा नवाए पाकिस्तान एक पर्चा शाया होता था, मौलाना महकश थे वो मौलाना नाम उनका, तखल्लुस उनका महकश था, तो मैंने उन्हें कहा कि कभी आपने पी भी है कि नाम ही महकश रख लिया, तो उसने लगे तो उनके बच्चों के रिसाला बच्चों का जो सफ़ा था वो मैंने मुरतब करता रहा। मैंने मुख्तलिफ ममालिक में बतौर सहाफ़ी, मैं 75 में एक इंटरनेशनल राइटर्स एंड जर्नलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी हांगकांग में, पहला मेरा जो गैर मुल्की विज़िट था वो हांगकांग में इंटरनेशनल राइटर्स एंड जर्नलिस्ट कॉन्फ्रेंस में मैं गया था 75 में। उसके बाद तो फिर आना जाना रहा, मैं लंदन की प्रेस क्लब का एग्जेक्टिव का मेंबर और वहाँ जो क्रिश्चियन राइटर्स एसोसिएशन है उसका भी मैं एग्जेक्टिव का मेंबर हूँ लंदन की, और वहाँ जाता रहता हूँ मैं अक्सर और करीबन हर साल ही। तो सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ इब्तदा में ये कोशिश चलती रही थी। हमारे एक दोस्त थे जिनको मैं अदब में ही और लेके आया था, गुलजार वफा चौधरी, उन्होंने इब्तदा में क्रिश्चियन राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन बनाई थी,
गुलजार फवाद चौधरी प्रोफेसर थे FC कॉलेज के, क्रिश्चियन जर्नलिस्ट एंड राइटर्स उस एसोसिएशन की बुनियाद रखी थी और मुझे उन्होंने उसका सरपरस्त बनाया था। फिर जो है हमने क्रिश्चियन, मैंने 73 में क्रिश्चियन जर्नलिस्ट राइटर्स यूनियन बनाई, क्रिश्चियन राइटर्स यूनियन 75 में बनाई, और उसके जुबैर राणा, नसरीन अंजम भट्टी और गुलजार फवाद चौधरी अहदेदारान थे, और हम इसके हवाले से वो ये अपना ये गुलजार फवाद पहले मसीहों में कालम नगार थे जो नवाए वक्त में मुस्तकिल कालम लिखते थे और खाका नगार भी थे। उन्होंने बहुत से लोगों के पहले मसीहों के मसीहों में पहले खाका नगार और पहले कालम नगार मसीहों में वो गुलजार फवाद चौधरी थे जो FC कॉलेज में प्रोफेसर भी थे। तो इस तरह इब्तदा में रावलपिंडी में चार्ल्स अमजद अली का नाम मैं ज़रूर लूँगा, वो भी सहाफ़ी थे, इंग्लिश जर्नलिज़म में उन्होंने कदम रखा और वो एक तवील अरसा तक बेनज़ीर भुट्टो के स्पीच राइटर रहे, बेनज़ीर भुट्टो के स्पीच राइटर की हैसियत से भी उन्होंने, ये मैं मालूमात इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमारे जो नए लोग हैं उनको ये मालूम हो कि हमारा मुस्तकबिल जो ना क्या होना चाहिए और हम माजी में क्या कुछ होता रहा है। तो ये एक पर्चा निकला करता था मशीन आज इस वक्त के खूबसूरत मौका जो प्रदान किया गया तमाम इस्लामाबाद और दीगर शहरों से सहाफ़ी ज़्यादा आए बैठे और इस मसरत मौका के प्रोसेस एक दूसरे से बहानी में जोर को बढ़ा सके। इस सारी मैं क्रिश्चियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का बड़ा मामूल हूँ, गजल के चार इशार इख्तिसार के साथ पढ़ूंगा और आपकी तवज्जो मतलूब है। आईने पर अब तक मेरी हैरत तारी है, आईने पर अब तक मेरी हैरत तारी है, सूरत ऐसी जख्मी हाथों ने संभाली है, जब से आंखें रखी मैंने सूरत पर मेरे जिस्मो जामे यीशु से भेजा दी है। और गजल के दो शेर के माना के खुदाओं का दान नहीं, माना के खुदाओं का दान नहीं, मर के जी उठना मेरा साथ नहीं है, माना के खुदाओं का दान नहीं, मर के जी उठना भी आसान नहीं, वो घर मैंने पक्का छोड़ दिया, वो घर मैंने पक्का छोड़ दिया जिसमें मेरे बाप का दस्तर खाने हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब अमजद रशीद साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे दरमियान इंतहाई सीनियर सहाफ़ी जनाब ताहिर विक्की साहब हैं, वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। कल इन्होंने लाहौर प्रेस क्लब में इशरे की तकरीर भी हुई है, वहाँ पे केक भी काटा है। रोज़नामा समा के लिए सीनियर रिपोर्टर हैं ताहिर भाई के लिए बहुत सारी क्लैपिंग। और इसी तरह हमारे दरमियान फैसलाबाद से आफ्ताब नवाज साहब, ये रोज़नामा इस्लाम के कोर्ट रिपोर्टर हैं, सेक्टर इंफॉर्मेशन है क्रिश्चियन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, हमारे सामने मौजूद हैं। शहबाज गोश साहब ये फैसलाबाद से हैं, दुनिया टीवी लाहौर में सीनियर कैमरामैन रहे हैं और आजकल ये प्राइमिक्स अखबार में कॉलम निगार हैं। तो इसके साथ साथ हम अपना सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पिशावर से हमारे पास मौजूद हैं जनाब निशान यकूब साहब, ये फ्रंटियर पोस्ट और दी न्यूज़ में लिखते हैं, सीनियर साथी हैं, वो आएँगे और मुख्तसर इजहार ख्याल करेंगे। जनाब निशान यकूब साहब आपकी तालियां।
मसीह के जिंदा और जलाली नाम में हम सब की सलामती हो, आप सबको ईस्टर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। मेरा नाम ज़िशान याकूब है और मेरा ताल्लुक पेशावर से है। मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि मैं एक मसीही घराने में पैदा हुआ और जैसे और मेरे सिबलिंग्स थे जब वो आए, मेरे पे भी ये प्रेशर था कि आप डॉक्टर बने और मेरे एकेडमिक्स भी अच्छे थे, उन्होंने कहा तो वो डिस्करेजमेंट आखिर तक फेस करनी पड़ी। और अभी भी कई बच्चे जो हैं वो चर्चेस में और जब वो के आर्टिकल पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हम भी करना चाहते हैं लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हमें पेरेंट्स की तरफ से इंकरेजमेंट नहीं मिलती कि हम जर्नलिज्म में आ सकें। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे, अगर उनके उनके बच्चे अगर लिखना चाहते हैं जैसे चाहते हैं तो उनको ज़रूर सपोर्ट करें। जैसे मैं सरफराज साहब ने कहा कि एज अ हॉबी या एज अ सेकेंड जॉब आप उसको दे सकते हैं लेकिन ज़रूर इसको करें। मैं काशिश नवाब साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी और काशिश नवाब साहब के साथ मेरी अक्सर बात होती रहती है कि हम क्रिश्चियन जर्नल जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन है इसको कैसे हम जो क्रिश्चियन सहाफ़ियों के लिए मुफीद बना सकते हैं। तो इसके जो मेन मकासद हैं हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे क्रिश्चियन सहाफ़ियों की कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें, उनको कैसे हम मोबाइल जर्नलिज्म और जो जितने भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी उनसे आगाह कर सकें, जो जर्नलिस्टिक वैल्यूज हैं जैसे सर और इस जैसे जो शख्सियत हैं जिनकी निगरानी में हम सीख सकें। तो क्योंकि बात हमने कुछ ज़्यादा करनी थी लेकिन अभी वक्त नहीं है, उनको इशारा करें तो मैं अपनी बात को मुख्तसर करूँगा और मैं आप सबको ईस्टर की खुशियों की मुबारकबाद करूँ। बहुत शुक्रिया जनाब ज़िशान याकूब साहब। इस हॉल में एक शख्सियत ऐसी है जो सबसे ज़्यादा मुनफरिद है और जहाँ भी वो अपनी कदावर शख्सियत से नज़र आ जाते हैं। मैं गुजारिश करूँगा जनाब नईम गौरी साहब से रोज़नामा कुंदन के एडिटर के खड़े हो जाएं अपनी जगह पे, उनके लिए भी तालियां बजाएं जो लोग एक दूसरे को नहीं जानते, ये उनसे हमारा तारुफ हो जाएगा। हमारे दरमियान यहाँ पर फैसलाबाद से पास्टर शमाउन साद साहब मौजूद हैं। पास्टर शमाउन साद साहब आईजेड टीवी फैसलाबाद के कोऑर्डिनेटर हैं और सबसे बढ़कर ये कि कोहिनूर टीवी के लिए रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारे दीगर दोस्त हैं, जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा मैं उनका तारुफ कराता जाऊँगा। अभी मैं यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ हमारे बहुत खुदार साथी, हमारे बहादुर साथी, हमारे वो रिपोर्टर जो जर्नलिस्टों के हकूक के लिए बात करते थे। जब ये एसोसिएशन बनी हमारी उस वक़्त उसमें जो ग्रुप में सबसे ज़्यादा बहस मुबहसा चलता था उसमें मुस्बत राय उनकी होती थी, एक दलील के साथ बात करने वाले, लेकिन खुदा को यही मंजूर था वो हमारे दरमियान नहीं रहे। आरफ भट्टी साहब, उनकी साहबजादी हमारी यहाँ पर मौजूद है इस वक्त हाल में, रिया भट्टी, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो आएँ कि वो अपने वालिद साहब की खिदमत के हवाले से हमारे साथ वो शेयर करेंगे उनकी यादें। तो मैं गुजारिश करूँगा अपनी बेटी रिया भट्टी से कि वो यहाँ पर स्टेज पर आएँ और उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएँ, हमारे वो साथी थे, ताकि वो यादें ताज़ा हो सकें। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम रिया याकूब भट्टी है, मैं आर्थर आरिफ भट्टी की बेटी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इस एसोसिएशन की जिन्होंने हमें याद रखा, जिन्होंने मेरे फादर को याद रखा। वो इस दुनिया में नहीं है बट वो हम सबके दिलों में ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी क्रिश्चियंस हैं जो कि स्पेशली जो इस लाइन में ऐसा आपत की लाइन में, उन सब का एक अलहदा ग्रुप हो, उन सब की एक अलहदा एसोसिएशन हो जिसके अंदर मतलब वो उनका एक नाम हो और सब मिलकर काम करें। तो मुझे उम्मीद नज़र आती है इस एसोसिएशन से कि मेरे डैड का जो ड्रीम था इट विल कम ट्रू सूनर और लेटर, बट आई एम अगेन वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर रिमेंबरिंग माई डैड, फॉर रिमेंबरिंग दिस, एंड आई होप यू विल ऑलवेज रिमेंबर माई डैड इन योर प्रेयर्स एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। थैंक यू। साथी आरव भट्टी का जो विजन था, जो उनकी सोच थी, जो उनका ख्वाब था, उसको पूरा करेंगे। और मैं यहाँ ये बताना भी चाहता हूँ जिस तरह के पहले कमल फरोज साहब ने, उस्ताद मोहतरम ने बताया कि जो क्रिश्चियन जर्नलिस्ट हैं या क्रिश्चियन जिस इदारे में होते हैं वो की पोस्ट पर भी रहे हैं और वो अपने इदारे में अपनी एक जगह बनाकर रहते हैं। आरव भट्टी साहब भी उन शख्सियात में थे, ये रोज़नामा औसाफ़ के चीफ फोटोग्राफ़र थे और जो लोग सहाफ़त से वाबस्ता हैं उनको पता होना चाहिए कि चीफ फोटोग्राफ़र होना एक बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए आपसे चाहूँगा कि उनके लिए क्लैपिंग की जाए।
इसी तरह हमारे दरमियान एक नौजवान मौजूद हैं आमिर प्रिंस। आमिर प्रिंस से मैं गुजारिश करूँगा कि वो खड़े हो जाएं। ये आमिर प्रिंस है, ये समा टीवी के सीनियर कैमरामैन है फैसलाबाद में, आजकल ये बतौर DSNV ऑपरेटर प्राइस सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे दरमियान जैसे कि मैंने यहाँ बताया है कि पाकिस्तान भर से जर्नलिस्ट आए हुए हैं, फैसलाबाद, पिशावर, लाहौर, और भी मैं जिस शख्सियत को दावा देना चाहता हूँ, इंतहाई मुतहरक जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर और आला पाए के मुकर्रर, और किसी हद तक मैं उनकी जो पोस्टें देखता हूँ, उनकी जो मैं एक्टिविटीज़ देखता हूँ, मैं उन्हें समझता हूँ तो वो सियासी शख्सियत भी हैं। उकाड़ा से जनाब असगर रहमत साहब, वो आएँगे अपने ख्याल का इजहार करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में असगर रहमत साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका, नहायत मशहूर हूँ मैं जनाब काशिफ नवाब साहब का और हमारे प्यारे भाई तारिक चमन साहब का, कि उन्होंने ज़िला उकाड़ा से हमें, हमारी तीन साथी आए हैं जो खूबसूरत साहब हैं, जैसे शौकत भाई हमारे साथ हैं। तो बेसिस मैं टीचर हूँ और टीचिंग के साथ साथ मैं सहाफ़त में दिलचस्पी रखता हूँ, क्योंकि हमारे किसी गांव में ज़िला उकाड़ा एक पसमानदा एक डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, वहाँ पर मिनोरिटीज़ के काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। तो जब हमें पता चला कि क्रिश्चियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान के क्रिश्चियों के लिए जर्नलिस्ट के लिए काम करने के लिए ख्वाहिशमंद है, तो हमने इनके साथ कदम बढ़ाया। और मैं बहुत मशहूर हूँ काशिफ साहब का, तारिक साहब का, उन्होंने हमें इसमें मेंबरशिप दी और हमें इसका हिस्सा बनाया, क्योंकि सहाफ़ी जर्नलिस्ट के हालात अभी जैसे हमारे मुअज़्ज़िज़ मुकर्रर अब पहले भी आ चुके हैं, सीनियर भी हैं, हम अभी सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखना है हमें, तो हालात बहुत कशीदा रहते हैं, हर वक्त माशी हालात से दो चार रहते हैं और मामलात में वो तो उनको दो चार रहते हैं। तो इस तरह आरफ साहब के साथ, उनके घरानी के साथ हम उनके दुख में आज शरीक हैं कि आज वो हमें नहीं है, लेकिन उनकी खिदमात हम सलूक करते हैं। तो हम एक दफ़ा फिर मशहूर हैं, पूरी टीम जो ज़िला उकाड़ा से आई है और डिवीज़न हमारा साहिवाल है, तो मैं पूरी टीम क्रिश्चियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बहुत मशहूर हैं, उन्होंने हमें मदऊ किया, हमें एक अपॉर्चुनिटी दी अवे की सीखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब असगर अहमद साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा, अभी सादे मोहतरम ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था रोशन ख्याली, तो हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान रोज़नामा निदाए रोशन ख्याली के चीफ एडिटर जनाब शाहिद मुनीर साहब हैं, वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए, उनके लिए भरपूर क्लैपिंग। चीफ एडिटर हैं रोज़नामा निदाए रोशन ख्याली, फैसलाबाद से पाया होता है। उसके बाद हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं जनाब शौकत लादर साहब, फोटो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं फैसलाबाद से, किचन ड्रीम ऑफ जर्नलिस्ट के ये सदर भी हैं फैसलाबाद से। सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से मसीह सलाम, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ क्रिश्चियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का कि इन्होंने ख़ास तौर पर आज हमारे भाई, हम उनको बड़ा भाई कहते थे, और जो भी कोई मशवरा कर रहा होता था आरफ भट्टी साहब से, उनको बैठाते थे बीच में और फिर हमारा डिसीजन कामयाब होता था, और उसको हम लबैक हमेशा लबैक कहते थे। उनके फोर्थ होने से पहले भी हमारी एक दिन पहले प्रेस क्लब के बाहर तो 15-20 मिनट की मीटिंग हुई, मैं था, रिपोर्टीज थे, अभी भी यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो ये सडनली हुआ, अगले दिन हम खबर मिली, तो हमारे लिए ये एक बड़ी ही दर्दनाक खबर थी और अनबिलीवेबल थी, क्योंकि हमारा भाई जर्नलिस्ट बहादुर और दबंग, जो बात कर रही है वो तो कह लेनी है चाहे अगले को बोल, लेकिन हमेशा क्रिश्चियन जर्नलिस्ट के हक में बात की, लड़े भी और उनके हकूक भी दिलाए, हम उनको कभी फरामोश नहीं कर सकते। इसलिए मैं एक दफ़ा फिर क्रिश्चियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उनको, उनकी फैमिली को याद रखा और आज इस तकरीब में मधु करके एक मिसाल बन गई। बहुत शुक्रिया। वो कौल तेरे पर पागल, तू कभी जन्नत का टिकट कटाया नहीं, तेनू एवं भुल ही पाया नहीं, होरां नूं मत्ती देंदे ने, होरां नूं मत्ती देंदे ने, जम्मिआं नूं कुछ ना कहिंदे ने, कदी पुत दा टिकट कटाया नहीं,
ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਨੇ ਨਾ ਆਪੇ ਟਿਕਟ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵਿਖਾਇਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਨੇ ਤੂੰ ਹੋਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੋਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਦ ਅੱਲਾ ਨਾਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਦੀ ਜਿਬਰਾਇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਨੇ ਖੁਦ ਕੁੱਕੜ ਕੜਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕੁੱਕੜ ਕੜਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਖਾਂਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕੁੱਕੜ ਕੜਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਹੱਥੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਨੇ ਕਦੀ ਹੱਥੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਨੇ ਆਖਰੀਏ ਕਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਨੇ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਬ ਇਖਤਤਾਮ ਕੀ ਤਰਫ ਗਾਮਜ਼ਨ ਹੈ